हेलो रत्नेश जी, आपकी आपको सर्जरी से पहले क्या प्रॉब्लम थी अभी, और सर्जरी के बाद अभी आप कैसा फील कर रहे हैं सर? मैम, सर्जरी के पहले ब्लीडिंग आना स्टार्ट हुआ था और नाक से मतलब मैं सांस अच्छे से नहीं ले पाता था। फिर बाद में मैंने कई जगह पे दिखाया, कहीं पे मेरा सही नहीं हुआ। फिर एक मैम ने सर को सजेस्ट किया, तो फिर मैंने घर पे बात की, सर यहाँ पे आके बात किया, तो यहाँ पे मुझे पूरा स्टाफ सब कुछ बहुत अच्छा लगा, सब पूरा सजेशन मुझे सब बहुत सही लगा। फिर यहाँ पे मैंने सब कुछ देखा, अभी सर्जरी हो चुका है तो उसके बाद मैं बहुत अच्छा फील कर रहा हूँ। सांस लेने में मुझे कोई दिक्कत नहीं है और ब्लीडिंग भी नहीं आ रही है। तो रत्नेश जी, आपको डॉक्टर तंवर का बिहेवियर एंड देन हमारे हॉस्पिटल स्टाफ का बिहेवियर आपको कैसा लगा इन हॉस्पिटल की रिगार्डिंग? मैम, यहाँ का बिहेवियर सबसे बेस्ट है और मैं तो सजेस्ट करूँगा कि जिसे भी और दिक्कत आए इसमें, नोज मतलब ब्लीडिंग या ये सब दिक्कत कोई आए, तो मैं सर को ही सजेस्ट करूँगा कि सर आए, सर के पास आए, वो सर से वो सजेस्ट करे या उसके बाद उसे दिखवाए। अब हमें डॉक्टर सुनील सर बताएंगे कि रत्नेश जी को नोज में क्या प्रॉब्लम थी एंड उनका क्या ऑपरेशन हुआ। देखिए, ये जो पेशेंट हैं रत्नेश जी, इनका जो नोज है, इसके अंदर नोज में जो है वो एक विकृति थी। नोज का जो इनका अंदर का जो फ्रेमवर्क था वो पूरा क्या है, डेविएटेड था, जिससे क्या है कि जो बाहर का इनका जो नोज था, जो बाहर का जो नोज का लुक था, वो भी फेस में एक तरफ जा रहा था। तो इस टाइप की जो विकृति है, जिसको हम मेडिकल लैंग्वेज में क्रुकड नोज डिफॉर्मिटी बोलते हैं, सो इनको क्रुकड नोज डिफॉर्मिटी थी। अमूमन जो इस टाइप के जो पेशेंट्स होते हैं जिनको क्रुकड नोज डिफॉर्मिटी होती है, उनको क्या है कि नोज के अंदर दो प्रॉब्लम होती हैं मेनली। जो पहला कॉस्मेटिक जो नोज का जो लुक होता है वो फेस के अकॉर्डिंग ना होके, सेंटर में नहीं होके, एक तरफ नोज जो है चेहरे पे चला जाता है, जिसको हम डेविएटेड नोज बोलते हैं। दूसरा क्या है कि ये जो नोज है वो क्या है, प्योरली क्या है जो है ब्रीदिंग के लिए ब्लॉक हो जाता है। बट इनकी जो एक डिफरेंट टाइप की प्रॉब्लम थी कि इनको क्या है कि जो नाक का जो हड्डी का जो टेढ़ापन था, उसके कारण इनको क्या है बार 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 नोज से ब्लीडिंग भी होती थी, जो भी एक इस टाइप के नोज की प्रॉब्लम में प्रेजेंटेशन होती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं कि इनका ये जो नोज है, आइडियली ये क्या है, ये सेंट्रल में ऐसे होना चाहिए, दिस इज़ द सेंट्रल पार्ट ऑफ द फेस, बट इनका नोज रोटेट होके ये इधर चला गया है, ये नोज का एक्सिस पूरा का पूरा डेविएटेड हो गया। तो बहुत बार ऐसे जो पेशेंट होते हैं, उनका नोज की ये पूरा डेविएशन होने के कारण जो नोज का लुक टेढ़ा हो जाता है और नोज जो है बेडोल हो जाता है। दूसरा क्या है, जैसे इस पिक्चर में अगर अपन देखते हैं तो ये दोनों तरफ के जो नोस्ट्रिल हैं वो इक्वल होने चाहिए, बट इनके नाक के बीच की ये बोन यहाँ पर आने के कारण इनको रिकरेंट नोज से क्या है ब्लीडिंग भी होती थी। तो इस टाइप की जो प्रॉब्लम होती है उसके कारण पेशेंट्स को जो डिफॉर्मिटी होती है, तो इसका जो करेक्शन होता है वो एक जो नोज सर्जन होता है, राइनोप्लास्टी सर्जन होता है, उसके लिए बहुत कॉम्प्लेक्स होता है। इसमें क्या है कि जो आप जो जो नोज सर्जन है उसको क्या है कि आपका उसका 3D जो है पूरा नॉलेज, इस स्किन के नीचे कौन से पार्ट में डेविएशन हो रहा है और अगर हम किस पार्ट को ठीक करेंगे तो नोज जो है कैसे जो है उसकी डिफॉर्मिटी करेक्ट होगी, ये सारा नॉलेज एक्चुअल में क्या सर्जन को होना चाहिए। ये जो पेशेंट हमारे पास आए, इनको एक हमारे बहुत सीनियर प्रोफेसर हैं मैडम ENT की, जिन्होंने हमारे पास रेफ़र किया, एंड ये बहुत वरीड थे कि पता नहीं ये जो है सर्जरी के बाद नोज स्ट्रेट हो पाएगा कि नहीं, या कहीं कोई कॉम्प्लिकेशन तो नहीं हो जाएगा। ओबियसली सर्जरी से पहले हर पेशेंट्स के अंदर दिमाग में कहीं ना कहीं कुछ सर्जरी के लिए डर होता है, सो वंस वी काउंसिल टू द पेशेंट, हमने इनको काउंसिल करने के बाद ये रेडी हुए सर्जरी के लिए, एंड पूरा जो है हमने करीब 4.5 घंटे की सर्जरी करके इनका जो अंदर का नोज का फ्रेमवर्क था उसको क्या है कि स्ट्रेट किया, एंड जो मोटो जो हमारा सर्जरी का था, द पेशेंट गिव्स ए लाइफ लॉन्ग ब्लॉकेज फ्री नोज, कि नोज पेशेंट का आज भी ब्लॉक नहीं हो और आगे लाइफ में भी ब्लॉक नहीं हो। और सेकंड जो मोटो था वो था, जो भी बाह्य पेशेंट की जो डिफॉर्मिटी थी, जो नोज जो इनका डेविएटेड था वो स्ट्रेट हो और चेहरे के सेंटर के अंदर नोज का लुक आए। सो वी आर हैप्पी कि जो भी हमने इनसे कमिट किया था वो हमने इनको ठीक किया, एंड आई वांट टू से थैंक टू रत्नेश जी एंड इनकी जो फैमिली है कि इन्होंने हम पे फेथ किया और हम जो इनकी एक्सपेक्टेशन थी उनके अकॉर्डिंग इनकी सर्जरी का रिजल्ट दे सके। थैंक यू।